अमन जी, अगर पिछले एक महीने पंजाब सरकार की बात करें, कैप्टन सरकार की बात करें, तो आप क्या देखते हैं कि उनकी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है, सही कदम उठा रही है? देखिए, मैं इसमें पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि लोगों ने जितना बड़ा मैंडेट कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को दिया है, वो अभी सामने नज़र नहीं आ रहा। वो नज़र क्यों नहीं आ रहा? उन्होंने मेन तीन चार जो इश्यूज़ हैं, उन्होंने घर घर के में नौकरी की बात की थी। मैं नहीं कहता कि अभी महीना सवा महीना हुआ, टाइम देना पड़ेगा उनको, लेकिन पिछले सवा डेढ़ महीने में उनकी जो विजन है वो उन्होंने स्पेल आउट नहीं कही जी। जबकि अगर होना ये चाहिए था कि अगर आप इलेक्शन में एक वादा कर रहे हैं तो उसको वादा पूरा करें, एटलीस्ट सरकार बनने के आप उसको स्पेल आउट तो करो ना जी। उन्होंने किसानों के कर्जा माफी की बात की, आज भी आप पिछले सवा महीने से उठा के देख लीजिए, आज भी किसान उसी रेट पे, उसी रेशो में आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं जी। बीजेपी की योगी गवर्नमेंट यूपी में अगर अनाउंस कर सकती है डेट वेवर, तो पंजाब में अभी तक उसके लिए कोई भी विजन, कोई भी प्लान नहीं। यूपी में जो एक कदम उठाया गया, अच्छा कदम उठाया गया, ऑब्वियसली अच्छा जी। किसान आज मर रहा है, किसान की जो नेशनल ग्रोथ रेट जो है वो 3.7% जो किसी टाइम में हुआ करता था, आज नेशनली वो घट के 1% पे रह गया है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर कहते हैं कि वहां पर कर्ज छोटा था, जो कर्ज माफी हुई है वहां पर उसकी जो अमाउंट है वो छोटी है इसलिए, लेकिन उनका ये मानना है कि बजट सत्र में इसका ऐलान किया जाएगा। सर, छोटा ही अनाउंस कर दें, अभी बजट सत्र में बड़ा कर दें। लोग जो आज मर रहे हैं, जिनके घर उजड़ रहे हैं, उनको कुछ दिलासा तो होए कि हाँ हमारे लिए कुछ हो रहा है जी। लेकिन सरकार या वो इससे मुकरे नहीं है कि नहीं कौन? होगा नहीं, मुकरे नहीं है, ना नहीं एक सेकंड, मुकरने को क्या पूछ के मुकरेंगी जी वो आपसे, मेरे से पेंशन का उन्होंने 2500 का वादा किया था, मुकर गए ना कि भैया हमारे पास पैसे नहीं, हम 500 ही देंगे। आज जो बात कर लीजिए ड्रग्स की, ड्रग्स के ठीक है उन्होंने एसटीए बना दिया है, लेकिन अभी तक काम वैसे ही चल रहा है। आज हम बात कर लें गैंग वॉर, सर लेट मी कंप्लीट। लेकिन पिछले एक महीने में जो एक्शन ड्रग्स पे हुआ है, ड्रग्स पकड़ी गई हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, आपको नहीं लगता कि ड्रग्स पे एक्शन जो पहली सरकार में नहीं हो रहा था वो अब शुरू हुआ? देखिए, मैं एक महीने में क्या आप चाहते हैं कि पंजाब में पूरा ड्रग्स खत्म? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा उन्होंने, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ उनके कदम जी। ये गिरफ्तारी तो 2014 की पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद सुखबीर सिंह बादल ने भी करवाई थी जी। एसटीएफ इन्होंने बना दिया, एक अच्छा ऑफिसर हरप्रीत सिंह को वहां पे लगा दिया, अच्छी बात है जी। लेकिन इससे बड़ा देखिए, ड्रग जो कार्टल है, ड्रग जो सप्लाई लाइन है, चेन है, वो टूट जाएगी, दैट इज नॉट दैट बिग इशू। सबसे बड़ा इशू है कि जो लाखों पंजाब के नौजवान लड़के इस पे लग चुके हैं, जिनको लत लग चुकी है, उनकी रिहैबिलिटेशन का आपने क्या सोचा? उसके बारे में अभी तक एक भी वर्ड कैप्टन अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट से नहीं आया। आपको लगता है वो जरूरी है? असली चैलेंज वही है, ड्रग की सप्लाई लाइन। देखिए, ड्रग कहां से, ड्रग्स का स्मगलर पुलिस और पॉलिटिशियन का नेक्सस था जी। सरकार चाहे वो 10 मिनट में ब्रेक हो सकता है, पॉलिटिशियन चाहे, हेड ऑफ द स्टेट चाहे। आपको लगता है वो ब्रेक हुआ है या अभी ब्रेक होना नहीं, उसमें काम चल रहा है, जो पॉजिटिव लोगों की फीडबैक सामने नजर आ रही है, लेकिन नौजवान लड़कों को रिहैबिलिटेट कैसे करना है, मुड़ सेवा कैसे करना है, वो एक बड़ा चैलेंज है। गैंग वॉर की बात कर लीजिए, सर अमरिंदर सिंह ने वहां एक्शन लिया है। देखिए, एक्शन लिया जाता है जब आप पिछले डेढ़ महीने के अखबार उठा के देख लीजिए कितनी डेथ्स हो चुकी। गिदड़वा में हुआ, कल ही एक लड़के की डेथ मानसा में हुई है जी। एक्शन बाद में लिया जाता है, लेकिन वो वाई नॉट निप द इवल इन द बड, वो पहली प्रिकॉशनरी मेजर्स क्यों नहीं लिए जा रहे? एक्शन लेना तो ठीक है, आप बाद में इंक्वायरी ऑर्डर कर दो, लेकिन जिस घर का कोई मेंबर चला गया उसके बाद तो इंक्वायरी रहेगी उसके पर ले। आप कह रहे हैं कि इट्स फेलियर ऑफ पुलिस फोर्स, यू आर सेइंग इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑफ गवर्नेंस। मैं एक महीने में आप कह देंगे कि जो पिछले 10 साल में नहीं हुआ एक महीने में हो जाए? मैं तो पिछली सरकार को भी इंक्लूड कर रहा हूँ जी, 10 साल उन्होंने प्रमोट क्यों किया इसको, क्यों प्रमोट किया? अगर हम गिदड़बाह की बात कर लें जी, तो जो वहां पे लड़के की डेथ हुई है, जो सेल्फ इमोलेट किया उसने, उसमें किसका नाम आया?
वहां के कांग्रेस के एमएलए का, कल जो मानसा में हुआ उसमें किसका नाम ड्रैग हो रहा है? लेकिन मैं कैप्टन सरकार ने, कैप्टन अमरिंदर ने उसमें एक्शन, तुरंत एक्शन लिया। सर मैं कहता हूँ एक्शन, मरने के बाद एक्शन ले लिया ठीक है, आप दो लोगों को सजा दे दोगे, दो पर्चे हो जाएंगे, बंदा अंदर चला जाएगा, लेकिन पहले तो पर्चे भी नहीं होते थे, पहले कार्रवाई भी नहीं होती थी। अंधों मैं इसका मतलब ये होगी, अंधों से सरकार कानों के पास आ गई है। नहीं बट कार्रवाई तो हो रही है ना सर, कार्रवाई हो रही है। मैं कहता हूँ ये पहले हुए क्यों? अगर आपका एक एमएलए एक पब्लिक एड्रेस में, पब्लिक रैली में डीएसपी को यह कि मेरे बंदों को खुश होके जाने चाहिए और अगर वो ना खुश होके गए तो मैं आके लंबे पालूंगा, व्हाट इज दिस? आप वीआईपी कल्चर की बात करते हैं, आपने बत्ती तो हटा दी है जी, लेकिन जो एरोगेंस है वो नहीं जा रही। जब तक एरोगेंस नहीं जाएगी दिनेश जी, तब तक वीआईपी कल्चर पंजाब में भी और हिंदुस्तान में भी रहेगा। कैप्टन सरकार ने लिया, फिर अब केंद्र सरकार ने लिया रेड बिकॉन्स पर प्रतिबंध लगाने का, ये सही फैसला नहीं है आपको? बिल्कुल 100% सही फैसला है जी, और मैं इस बात की खुशी है मेरे को जी कि जो जाग, जो अलख श्री अरविंद केजरीवाल ने आज से 3 साल पहले दिल्ली में जगाई थी जी, उसको वो आज एक पूरी मशाल बन चुकी है जी। पहले अरविंद केजरीवाल को फॉलो किया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में, अब कैप्टन उनको फॉलो किया है पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने, ये आज तक कभी ना हुआ जी 70 साल में जी। सिर्फ अभी जब अरविंद, लेकिन मनप्रीत बादल कहते हैं कि उनको फॉलो किया अरविंद केजरीवाल ने, उनके एजेंडे में था ये, जब पंजाब पीपल्स पार्टी बनी थी, उन्होंने बनाई थी, उनके मैनिफेस्टो में ये था। देखिए मैं मनप्रीत सिंह बादल जी का मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े सीनियर और सीजन पॉलिटिशियन है वो, बड़े अपराइट है। मैं लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूँगा, बत्ती लगानी नहीं, गाड़ी लेनी नहीं, लेकिन वैसाखी के मेले पे हेलीकॉप्टर में जाना है। अगर राज्य सरकार की सहूलियत, अगर लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है, सरकार को उसको उसमें फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा लोगों को एड्रेस किया जा रहा है, तो उससे नुकसान क्या है? आपका यहाँ से तलवंडी साबो 2-3 घंटे का रास्ता अगर आप 1.5 घंटे में कवर करना चाहते हैं, और 2,500 के डीजल की बजाय आप 2.5-3 लाख रुपया स्टेट एक्सचेकर का, लोगों का पैसा उड़ा देते हो, तो क्या ये सही है? कैसे वीआईपी कल्चर को कम नहीं, कैसे हटाया जाएगा, कैसे मिटाया? देखिए एटीट्यूड बदलना होगा, सोच बदलनी होगी, नजरिया बदलना होगा। आपको लगता है कि अफसरों की जो जवाबदेही है वो भी तय होनी चाहिए? दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पब्लिक, लोगों के लिए 100% अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ एक एक पाई का, एक एक पैसे का पंजाब में भी और हिंदुस्तान में भी हिसाब होना चाहिए जी। सरकारें, पॉलिटिशियंस अपने वोटों के लिए और चंद अफसर पैसे कमाने के लिए कोई ऐसा कानून बन जाता है, रूल बन जाता है, इन्वेस्टमेंट्स हो जाती हैं जो कि बाद में वेस्ट जाती हैं, एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए हर एक्शन। व्हेन यू आर इन अ पब्लिक डोमेन तो हर एक्शन का, हर फैसले का, हर मूव का लोगों को अकाउंटेबिलिटी, लोगों को जवाबदेही होनी चाहिए, चाहे वो लीडर है और चाहे वो अफसर है। अगर पॉलिटिकल क्लास आज ईमानदार हो जाए और 100% वफादार हो जाए अपने लोगों की तरफ, अपनी स्टेट की तरफ, तो ब्यूरोक्रेसी की कभी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उनसे आउट ऑफ द लाइन जाके किसी कोई गलत काम कर लेगा। आपको लगता है ऐसा होगा? होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? दिल्ली में हमने करके दिखाया, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया, फायदा नहीं दिखा आम आदमी। कैसे नहीं दिखा जी बताइए, मैं आप ये आप देखिए, दिल्ली का काम पंजाब में दिखा नहीं दिनेश जी, दिल्ली का काम पंजाब में उसका फायदा नहीं हुआ, आप ना गोवा में उसका फायदा, सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं, ना उत्तर प्रदेश में उसका, सर आप मेरी बात तो सुन लीजिए जी। नाउ लेट मी कंप्लीट, मेरे को 2 मिनट बोल लेने दीजिएगा। इस पे आप दो चीजों बात के अलग अलग कंफ्यूज कर रहे हैं जी। मैं दिल्ली गवर्नेंस की, अरविंद केजरीवाल एज चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ कि उसका फायदा दिल्ली में जाके दिखे और दिख रहा है, दिल्ली के लोगों, आम लोगों के जो काम है वो आज हो रहे हैं। आप बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल रिजल्ट्स की जी। दोनों चीजें टोटली डिफरेंट है जी। आम आदमी पार्टी के जो रिजल्ट हैं, मैं मानता हूं कि उतने जितने दिखने चाहिए थे नहीं दिखने दिल्ली में, लेकिन एक हमें आप ये देखिए, एक चीज को तो आप अप्रिशिएट करेंगे जी कि अरविंद केजरीवाल की दैट्स नॉट इवन 50% गवर्नमेंट, आधी सरकार भी नहीं है जी, एलजी है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अरविंद केजरीवाल तो काम तो करने दे नहीं रहे, लेकिन फिर भी ये आपका एक बहाना हो सकता है, लेकिन नहीं बहाना कोई नहीं, बताइए एनसीडी के जो चुनाव है उसमें ये गुड गवर्नेंस का फायदा होगा, और अगर अगर जनता का मैंडेट आपके हक में नहीं आता तो आप मानेंगे कि काम जो है दिल्ली में, जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली में गुड गवर्नेंस हुई है, तो वो मैंडेट आपके खिलाफ अगर आता है तो ये गुड गवर्नेंस आप नहीं मानते? देखिए हम बड़े होपफुल हैं,
की जो रिजल्ट्स हैं एमसीडी के वो आम आदमी पार्टी के फेवर में आएंगे, और मैं इसके बारे में बड़ा प्री मेच्योर है कुछ कहना, 26 को रिजल्ट आएंगे आपके सामने फिर बैठ जाएंगे जी। क्या आम आदमी पार्टी पंजाब के बाद, गोवा के बाद, अब चुनाव है विधानसभा चुनाव गुजरात में, फिर उस हिमाचल में, क्या वहाँ पर चुनाव लड़ेगी? देखिए मैं अभी इसमें इंडिविजुअली इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकता, अभी अरविंद जी से इसके बारे में बात नहीं, क्योंकि पहले पंजाब के इलेक्शन में बिजी थे, अब दिल्ली के इलेक्शन में बिजी हैं, इसके बारे में कोई अभी विचार विमर्श हुआ नहीं है, जब भी कुछ हुआ तो आपको जरूर बताएंगे जी। लेकिन क्या आपका, आपको क्या लगता है निजी, आपकी राय क्या है कि लड़ना चाहिए गुजरात? और देखिए बिल्कुल लड़ना चाहिए, जो जो आज आम आदमी पार्टी ही एक पार्टी ऐसी है पूरे मुल्क में जो ना किसी धर्म की, ना जात की, ना मजहब की राजनीति नहीं करती, जो सिर्फ गुड गवर्नेंस और एंटी जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन की बात करती है जी। और ये इशू ऐसा है कि आप किसी भी स्टेट में लेके जाओगे तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, मेरे ख्याल से करना चाहिए। और अगर हम ना आते यहाँ पे, अगर दिल्ली से आम आदमी पार्टी पंजाब में ना आती, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह वीआईपी कल्चर लाल बत्ती को खत्म कर देते? नहीं करते। तो आप, हम चाहे सरकार नहीं बना पाए, मेरी बात सुनिए, से आम आदमी पार्टी हम चाहे सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हमारा इम्प्रेशन, हमारा फुटप्रिंट, हमारी सोच वो आम आदमी आज कांग्रेस की सरकार में साफ झलक रही है जी। आपका डर है आप कह रहे हैं? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, क्योंकि हम सच्चे हैं, हम सही हैं। आपको भी जनता ने एक जिम्मेवारी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है विपक्ष की मैं भूमिका की, तो क्या आम आदमी पार्टी इसके लिए, मतलब ये कहा जाए कि जनता ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी अच्छे से निभाएगी? देखो 100% अच्छे से निभाएंगे, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो सेशन आना है। सरकार से आपकी उम्मीदें ज़्यादा हैं, विपक्ष में आप कह रहे हैं कि हाँ निभाएंगे? बिल्कुल निभाएंगे, पहले अगर हम आ जाते तो हमने अपना मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट करना था 100%, अब हमने कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा लिया है कि भैया आपको लोगों ने 77 सीट्स दे दी हैं, अब जो जितने वादे किए लोगों से पूरे करो, अगर नहीं पूरे करेंगे, करेंगे उस तरफ चलेंगे, लगेगा कि उनकी मंशा है, नियत है काम करने की, अपने वादे पूरे करने की, तो हम, मैं आज आपको कमिट करके, वादा करके जा रहा हूं, अगर सरकार उस तरफ चलेगी अपने वादे पूरे की तरफ, तो हम उनको 100% होल हार्टेडली हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे अच्छे फैसलों में, अच्छे फैसलों के लिए। लेकिन अगर लगेगा पंजाब की जनता की, यस, लेकिन अगर लगेगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार अपने वादों से मुकर रही है और इधर उधर हो रही है, तो विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी हम उनका पूरी शिद्दत के साथ विरोध करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे जी कि आप अपने किए हुए वादों को पूरा करो जी। और कैप्टन अमरिंदर सिंह को सपोर्ट करने के लिए सरकार बनती हमारे एचएस फूलका जी उनको मिलके आए, सपोर्ट एक्सटेंड करके आए कि हम आपके साथ हैं, लोगों के अच्छे काम करो। क्या आम आदमी पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ेगी सबसे पहले? देखिए इसके बारे में मैं तो बड़ा छोटा सा वॉलंटियर हूँ जी, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि पूरे देश का फैसला तो अरविंद केजरीवाल जी और पीएसी ने करना है जी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हाँ आम आदमी पार्टी की जो सोच है जी वो एटलीस्ट पूरे देश में लेके जाने की बनती है। अब कितनी सीट्स लड़ेंगे जी तो उनका फैसला है, और अभी बड़ा प्री मेच्योर है जी, इससे पहले तो 10 स्टेट्स की इलेक्शन होनी है, अभी 2 साल पड़े हैं, देखते हैं क्या बनता है। अमन जी अगर एसवाईएल की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहर बननी चाहिए, पंजाब कहता है कि पानी नहीं है हमारे पास, हरियाणा कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको लागू किया जाना चाहिए, आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए आम आदमी पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है, स्पष्ट है, शुरू से रहा है कि पंजाब के पास एक बूंद भी फालतू पानी का नहीं है। हम इस चीज़ को, अगर हम सरकार में होते तब भी और अब मेन ऑपोजिशन पार्टी, हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पंजाब का एक भी बूंद पानी का बाहर जाए। लेकिन मेरे को दिनेश जी आज एक बात समझ नहीं आ रही कि अब सारा कुछ लुटाने के बाद अब मीटिंग्स हो रही हैं, आप पिछले 32-34 साल का 78 से इतिहास उठा लीजिए, जिम्मेवार कौन है एसवाईएल के लिए, या कांग्रेस या अकाली दल जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी 2014 में जो उन्होंने वाटर टर्मिनेशन एग्रीमेंट किया, तब पंजाब में भी, दिल्ली सेंटर में भी, दिल्ली स्टेट में भी, राजस्थान में भी और हरियाणा में भी कैप्टन कांग्रेस गवर्नमेंट की गवर्नमेंट थी, तब ये ऑल पार्टी मीटिंग नहीं हुई। आज से 3 महीने पहले पंजाब में अकाली दल बीजेपी की सरकार, राजस्थान में बीजेपी की सरकार, सेंटर में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, तब ऑल पार्टी मीटिंग नहीं हुई। ये पॉलिटिक्स क्या है, मेरे को ये नहीं समझ आ रही आज जी। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक पोस्चरिंग करते हैं, मीडिया में जाते हैं, एक केस सुप्रीम कोर्ट में डाल देते हैं, लेकिन उसका सल्यूशन क्या निकालना है वो आज तक किसी
ने भी सिंसियर एफर्ट नहीं किया। अगर ये सिंसियर एफर्ट किया होता, हल क्या है, कैसे हल निकलेगा इस सवाल का? देखिए, अब इसके ऊपर तो मेरे ख्याल से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे या सुप्रीम कोर्ट चाहे, इतना तो इनको करना चाहिए कि जब पंजाब के पास पानी नहीं है, जब मेरे पास अगर खाने को खाना नहीं है तो मैं आपको कहाँ से दूंगा जी, ठीक है ना। तो रायपेरियन राइट्स के ऊपर, सारी दुनिया जो रायपेरियन राइट्स के ऊपर चलती है, पंजाब के फेवर में उनको करना चाहिए। अगर पानी है तब दिया जाना चाहिए असेसमेंट के बाद, जब है ही नहीं तो देंगे कहाँ से? अगर असेसमेंट के होती है, कर ले असेसमेंट, है ही नहीं, कर ले असेसमेंट, है ही नहीं। पानी 17.17 से लेके घट गया 13 एमएम रह गया। अगर पानी ज्यादा है, देने लायक है तो दिया जाएगा। अगर देने, अगर फालतू है, एक्सेस है तो बेशक दे दें, लेकिन जब है ही नहीं तो देंगे कहां से? आज दे देते 10 लाख एकड़ जो है वो पंजाब का बैरन हो जाएगा, वो बंजर हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि अगर एक्सेस वाटर है पंजाब का तो वो दिया जाना चाहिए हरियाणा? नहीं, देखिए, अगर आपको एक चीज की जरूरत नहीं है तो आपको अपनी नेबरिंग स्टेट, आखिर वो हमारे भाई हैं, वो हिंदुस्तानी है, आज से 40 साल पहले हमारे साथ इकट्ठी थे, लेकिन जब है नहीं तो फिर कहां से देंगे? अगर ये बात की जाए कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की हार के बाद पंजाब का रुख उन्होंने नहीं किया, ऐसा क्यों है? पंजाब की जनता जानना चाहती है कि एक बार तो वो वापस आ जाते, दिखा देते, अपनी शक्ल दिखा देते। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि पहले रजौरी गार्डन के इलेक्शन में, इलेक्शन के दौरान वो तकरीबन 1.5 महीना 2 महीने यहाँ पे रहे, तो दिल्ली के भी काफ़ी इशूज़ थे। आफ्टरऑल ही इज़ ए चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, वो नेशनल कन्वीनर है, पार्टी के भी बड़े काम होते हैं और स्टेट्स में, दिल्ली सरकार का भी जो काम है वो 1.5-2 महीना यहाँ पे रहे, तो उस करके भी काफ़ी पेंडिंग पड़े हुए थे। उसके बाद रजौरी गार्डन की इलेक्शन आ गई, उसके बाद MCD इलेक्शन आ गई, बड़ी जल्दी मीडिया की और आपकी इच्छा पूरी होगी, वो आएंगे थोड़े दिनों में, आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं बुलाए के लेके आएंगे हम उनको, जो इश्यूज हैं पंजाब में वो रिजॉल्व करेंगे। अमन जी, कनाडा के जो रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन, वो पंजाब की यात्रा पर, भारत के दौरे पर हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, कि उनके जो ताल्लुकात हैं वो खालिस्तानियों से रहे हैं, तो इस कारण जो है उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए दिनेश जी, मेरे हिसाब से ये जो पिछले दिनों में हुआ है ये काफ़ी हद तक अनफॉर्चुनेट है, पंजाब के इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है ये। अब कौन किसका सिंपथाइज़र है या किसकी सोच क्या है, इसके बारे में कोई क्या बता सकता है? ये शुरू हुआ, नंबर एक तो मेरे ख्याल से कैप्टन साहब को इसमें, मेरे को आज तक ये नहीं समझ आई कि एक फौजी दूसरे फौजी के बारे में, एक कैप्टन, एक लेफ्टिनेंट कर्नल के बारे में, जो कि एक डेकोरेटेड ऑफिसर है, कैनेडा रहे हैं, कैनेडा की आर्मी में, उनके रेडिकल्स के साथ लिंक या सिंपथाइजर की बात कहें तो अच्छा नहीं लगता। ये मेरे ख्याल से पूरी फौजी कम्युनिटी की, ये पूरी फौजी कम्युनिटी को मैं समझता हूँ कि एक तौहीन की बात है। लेकिन उनकी यात्रा के दौरान यहाँ पर हरमिंदर साहब की बात अगर करें, अमृतसर की अगर बात करें, एयरपोर्ट की अगर बात करें, वहाँ पर उनके समर्थन में खालिस्तानियों ने नारे लगाए, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। देखिए दिनेश जी, इसमें दो चीज़ें हैं जी। नंबर एक जी, तो क्या आप ये मानते हैं कि जो बंदा, जिस आदमी ने किसी भी देश की फौज में नौकरी कर ली हो, जो बंदा फौजी रह चुका हो, वो किसी भी मुल्क के किसी रेडिकल एलिमेंट के साथ है, उसके कोई संबंध हो सकते हैं? नंबर वन जी। नंबर टू, अगर वो उन लोगों को कनाडा से साथ तो नहीं लेके आए जी, वो पंजाब में ही है। पंजाब का अगर कोई आदमी जाके किसी के फंक्शन के बाहर खड़ा होकर नारे लगा दे, तो इसके लिए आप उसके साथ एसोसिएट क्यों कर सकते हैं? उन्होंने किसी के साथ मीटिंग नहीं की जी, किसी रेडिकल एलिमेंट के साथ उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि मैं खालिस्तान की बात करने आया हूँ या मैं फलाने को मिलने आया हूँ। ये बिना बात की अन कॉन्ट्रोवर्सी है जो कि अवॉइड की जा सकती थी, और अगर की जाती तो बहुत बेहतर होता मेरे ख्याल से पंजाब के लिए और हिंदुस्तान के लिए भी। आम आदमी पार्टी पंजाब की जो इकाई है वो एकजुट है, सारे विधायक एक साथ है, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उसमें भी कहीं ना कहीं मनमुटाव है, दो फाड़ है, एक BJP के साथ जाना चाहता है और दूसरा जो है, दूसरा गुट जो है वो कांग्रेस के साथ जाना चाहता है। सच्चाई क्या है, एकजुट है क्या? सच्चाई सिर्फ एक है कि आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, हम 20 लोग हम और दो हमारे भाई बैंस ब्रदर्स, हम सारे के सारे एकजुट हैं, इकट्ठे हैं। ना कोई BJP में जा रहा है, ना कोई कांग्रेस में या अकाली दल में जा रहा है, सारे के सारे हम इकट्ठे हैं। और ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, र्यूमर्स हैं, और र्यूमर्स अपने आप दे टेक बर्थ एंड दे डाइट देयर ओन डेथ, ऐसा कुछ नहीं है, हम सारे इकट्ठे हैं और पंजाब में एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल बड़े बखूबी निभाएंगे जी। अमन जी, अगर
अमन अरोरा विधायक सुनाम, तो क्या सपना है आपका, आपकी जनता के लिए विधायक के तौर पर आप क्या करना चाहेंगे सुनाम के लिए? देखिए, सुनाम की जनता ने मुझे बहुत बड़ा, विद गॉड्स ग्रेस, परमात्मा की कृपा से, और लोगों ने बड़ा, बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। मैं चाहूँगा कि जो विजन मेरे फादर लेट श्री भगवान दास अरोड़ा ने अपने समय में एज एम एल एंड मिनिस्टर 92 से लेकर 2000 तक संजोए थे, उनको मैं पूरा करना चाहूँगा, उन सपनों को। सुनाम में आज जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो हेल्थ की बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें, हम उनसे उनमें बहुत पीछे हैं जी। पंजाब सुनाम में आज इंडस्ट्री के नाम पे, अनफॉर्चुनेटली पिछले 17 साल से अकाली दल के वहाँ से एमएलए रहे, 10 साल मिनिस्टर रहे पीडब्ल्यूडी के और फाइनेंस के, लेकिन सुनाम में ऐसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं लगा कि जिसकी वजह से वहाँ के नौजवान लड़के लड़कियों को रोज़गार दिया जा सके। सो ये बड़े सारे इश्यूज हैं जो आज छोटे छोटे इश्यूज के लिए, सीवरेज के लिए, पानी के लिए, विधायक के तौर पर आप इन सब पे काम करेंगे, दोष सरकार पे तो नहीं डालेंगे 5 साल बाद जब? नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल दोष नहीं डालूंगा, लेकिन अगर सरकार नहीं करेगी तो फिर सरकार को मैं एक्यूज भी करूंगा, सरकार से लड़ूंगा भी। अगर अमन अरोड़ा जी की हॉबीज पूछे जाए, शौक पूछे जाए, क्या शौक है पंजाब की जनता जानना चाहती है? देखिए, सबसे ज़्यादा शौक तो मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, मेरे को स्पोर्ट्स का बड़ा शौक है। मैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना जिम ना मिस करूँ, बस मेन। तो कितना वक्त देते हैं आप अपने अपने आप को? वो अब ऑफ एंड ऑन बड़ा कम दिया जाता है जी, डिपेंडिंग अपॉन पब्लिक की जो सेवा के लिए या अपने कामों के लिए जो लोगों ने ड्यूटी जिम्मा जो सौंपा है, उसके अलावा जितना कोशिश होती है कि निकल जाए, बट काफ़ी कभी कई बार इरेगुलर हो जाता है। अमन जी, जी मीडिया से, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू सर। ये थे आम आदमी पार्टी के नेता अमन अरोड़ा। आपको हमारी बातचीत इनसे कैसी लगी, आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESHAA पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।